आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली टेक अपडेट के एक और एपिसोड में। और आज आपके लिए बहुत सारा अपडेट लेकर आया हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर से करिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली iQOO Z9S सीरीज इंडिया में अनाउंस हो गया है। प्राइसिंग काफ़ी अच्छा रखा गया है। iQOO Z9S 5G की बात करूँ तो 20,000 के प्राइस पे लॉन्च हुआ है। कार्ड्स ऑफर लगाने के बाद 18,000 पे आ जाता है। और जो iQOO Z9S Pro 5G है ये 25,000 के प्राइस पे लॉन्च हुआ है। ऑफर लगाने के बाद 22,000 पे आ जाता है। बाकी के सारे स्पेक्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। बाकी आप बताइए दोस्तों कि आपको इन दोनों ही फ़ोन का प्राइसिंग कैसा लगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों iQOO की तरफ से आ रहा है, बताया जा रहा है कि दिसंबर में या फिर आपको 2025 का स्टार्टिंग में iQOO Neo 10 सीरीज चाइना में अनाउंस हो सकता है। Neo 10 में बताया जा रहा है कि आपको Snapdragon 8 Gen 3 देखने को मिलेगा। और जो Neo 10 Pro 5G होगा इसमें बताया जा रहा है MediaTek का Dimensity 9400 देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही फोन में बताया जा रहा है कि 6000 mAh की बैटरी होगी, 100 वाट की चार्जिंग होगा, एक 1.5 के रेजुलेशन वाला आपको एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बाकी इसका प्राइसिंग के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बट मुझे लगता है कि ये फोन जब इंडिया में आएगा तो अराउंड 45,000 के आसपास में आना चाहिए। बाकी देखते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन आता है इसी iQOO Neo 10 सीरीज के रिगार्डिंग तो आपको ज़रूर से अपडेट करूँगा। फाइनली दोस्तों, कॉलकॉम ने स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 को अनाउंस कर दिया है। और बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको Redmi Note 14 Pro में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको Realme के भी फोन्स में देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्रीडेसेसर था उससे आपको 20% फास्टर CPU लेकर आता है, 40% आपको GPU में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और 12% पावर इफिशेंसी के साथ आता है। बाकी देखते हैं कि सबसे पहले ये जो चिपसेट है कौन से फ़ोन में आता है, ये आने वाले वक्त में आपको मालूम चल जाएगा। Moto H50 Neo रिसेंटली अभी इंडिया का BIS सर्टिफिकेशन क्लियर किया है। और अब बताया जा रहा है कि ये फ़ोन आपको हो सकता है कि सितंबर के महीने में इंडिया में देखने को मिल सकता है। और इसमें होगा MediaTek का Dimensity 7300, एक 120Hz POLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, 50 का आपको रियर कैमरा होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 13MP का जो अल्ट्रा वाइड होगा, 10MP का टेलीफोटो लेंस बताया जा रहा है, 32MP का सेल्फी कैमरा होगा, 4500 mAh की बैटरी होगी और 68W की चार्जिंग होगा ऐसा बताया जा रहा है। बाकी इसके प्राइसिंग के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि किस प्राइसिंग पे इंडिया में आने वाला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंडर 25,000 के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है 25,000 के एवब में बहुत सारे मोटोरोला के फ़ोन अवेलेबल है जो रिसेंटली इंडिया में अनाउंस हुआ है इसी सीरीज में। तो ये फ़ोन अंडर 25,000 के कैटेगरी में आएगा और बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। Vivo T3 Pro 5G इंडिया में 29 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। कल जो iQOO Z9S Pro 5G अनाउंस हुआ है ना, ये उसी का रीब्रांडेड होगा, सिर्फ लोगो आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, डिज़ाइन देखिए ऐसा होने वाला है। बाकी Snapdragon 7 Gen 3 के साथ आएगा, एक 120Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड प्राइसिंग जो है इंडिया में इसका अंडर 25,000 की कैटेगरी में आएगा। जो iQOO Z9S Pro 5G है ना उससे 1,000 रुपये के जो है डिफरेंस में ये प्राइसिंग में आ सकता है। बाकी देखते हैं 29 अगस्त को इंडिया में ये लॉन्च हो जाएगा। Realme 13 सीरीज इंडिया में 29 अगस्त को अनाउंस होने वाला है, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में जब ये न्यूज़ मैं आपको दे रहा था 13 के रिगार्डिंग तो मैंने एक गलती कर दिया था। अब Realme ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, इसमें आपको MediaTek का Dimensity 7300 देखने को मिलेगा, जबकि मैंने लास्ट वीडियो में 7200 बोल दिया था, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी इसका फर्स्ट लुक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, देख लीजिए इस तरीके का डिज़ाइन होगा, सर्कुलर कैमरा लेआउट वगैरह देखने को मिलेगा। डिज़ाइनिंग में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। Realme 13 में बताया जा रहा है कि IPS डिस्प्ले होगा और Realme 13 Plus में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है। और ये दोनों ही फ़ोन इंडिया में अंडर 20,000 की कैटेगरी में आने वाला है। देखते हैं कि Realme इन दोनों ही फ़ोन को किस प्राइसिंग पर लेकर आता है, क्या जो CMF फोन 1 लॉन्च हुआ है उससे कंप्लीट करेगा क्या, ये आपको 29 अगस्त को मालूम चल जाएगा। Infinix 040 5G बताया जा रहा है कि इंडिया में ये बहुत ही जल्द अनाउंस हो सकता है। अब इसका कंप्लीट स्पेक्स लीक हो गया है, सबसे पहले इसका डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए ऐसा डिज़ाइन होने वाला है, प्लास्टिक बॉडी होगा, प्लास्टिक का आपको फ्रेम मिलने वाला है एंड इसमें आपको MediaTek का Dimensity 8200 अल्टीमेट देखने को मिलेगा, एक 144Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिए गए है, 108MP का आपको रियर कैमरा दिए गए, OIS के साथ आएगा, 50MP का अल्ट्रा वाइड होगा, एक थर्ड सेंसर भी होगा, 50MP का सेल्फी कैमरा दिए गए, 5000 mAh की बैटरी, 45W की चार्जिंग,
15 वाट का आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, IP64 का आपको रेटिंग दिया गया है। बाकी इसके प्राइसिंग के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि किस प्राइसिंग पे आने वाला है, कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा इसके प्राइस के रिगार्डिंग तो आपको ज़रूर से अपडेट करूँगा। फाइनली मोटो G45 5G 11,000 के प्राइस पे ये अनाउंस हो गया इंडिया में। 4GB 128GB बेस वेरिएंट है, एक हाईअर वेरिएंट भी आता है, इसमें ऑफर वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। सो इफेक्टिव जो प्राइस है 10,000 हो जाता है। बाकी इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6S जेन 3 दिया गया है, एक 120Hz IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। 50 का आपको डुअल रियर कैमरा दिया गया, 16 का सेल्फी कैमरा दिया गया है, 5000mAh का आपको बैटरी दिया गया, 18 वाट की आपको चार्जिंग दिया गया, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह है, 1 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। बाकी आप बताइए दोस्तों कि आपको इस फोन का प्राइसिंग कैसा लगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।